क्या बताया भगवद गीता में, ये समझने के लिए अर्जुन के समर्पण को अच्छी तरह से समझना है। अर्जुन का समर्पण क्या था? द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता य श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष, कार्पण्यता का दोष माने क्या? अपने पर तरस खाना, कृपणता का भाव। जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है ना, वो डिप्रेशन में चले जाता है। अब जी के क्या करेंगे। देखो तो अर्जुन ने कह दिया, ये कार्पण्यता के दोष के द्वारा मैं प्रभावित हो गया हूं। क्या प्रभाव है? मेरा जो स्वभाव है वो माने एकदम खत्म हो गया। अर्जुन का स्वभाव क्या था? अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें से एक भी युद्ध वो कभी हारा नहीं था। इसीलिए उसका एक नाम था विजय, कभी हारा नहीं जीवन में। तो माने ही वॉज लिविंग टू सक्सीड, नॉट जस्ट लिविंग लाइक दैट। तो अर्जुन कहता है, अब मैं अपने आप पर तरस खा रहा हूं। मेरा जो युद्ध करने का मूड था, क्षमता थी, उत्साह था, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मुझे यहाँ कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि मेरा इस समय क्या धर्म है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे चित्त में, मन में, बुद्धि में धर्म को लेकर के सम्मोह निर्माण हो गया है। देखो सम्मूढ़, सम्यक मूढ़। मूढ़ माने क्या? जो व्यक्ति अपने मूड के द्वारा प्रभावित होता उसको मूढ़ कहते हैं। हमारा मूड नहीं है पढ़ाई करने का, मूड है। फिर दोनों का स्पेलिंग एक ही है। इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, सो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अब तीसरी जो बात अर्जुन की थी, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। देखो अर्जुन ने ये नहीं कहा मुझे ये अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। हम लोग जब जाते हैं ना मंदिरों में भगवान के सामने, तो भगवान को बताते, भगवान नोट करो ये सब चीजें दे दो। गणेश जी को, हनुमान जी को घर के बाहर रखते हैं चौकीदार बना करके, हम यहाँ सोएंगे आप हमारी रक्षा करो, हम दूसरे जगह जा रहे हैं 15 दिन के लिए, घर की रक्षा करो। हनुमान जी खड़े बेचारे वहां, जल्दी आ जाए यार। देखो महाराज ये विशेषता है अर्जुन की। तो मैं ये चाहता हूं यह श्रेयस्यात् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो योग्य है वो मुझे बताइए। हम लोग जब जाते हैं ना महात्माओं के पास या मंदिरों में, तो उन्होंने क्या करना है ये बताते। स्वामी जी आप आशीर्वाद कर दो। अरे तो यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हमारी भलाई किसमें है ये हमको यदि पता होता तो हम डिप्रेशन में जाते ही नहीं। देखो हमारी भलाई किसमें है ये समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि शांत और प्रसन्न रहनी चाहिए। जिसका मन कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा आदमी क्या चिंतन करेगा। यश्रेयस्या निश्चितम् ब्रूहि तन्मे,